आज हम सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम एक्सेल में अपने आधार नंबर को एंटर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने दोस्तों देखा होगा कि एक्सेल में जब भी हम 11 डिजिट से ज्यादा कोई भी नंबर लिखते हैं तो दोस्तों एक्सेल में एक टाइप की एरर शो होने लगती है। तो मैं दोस्तों आपको दिखाता हूं। ये दोस्तों हमारी 11 डिजिट की नंबर। अब मैं दोस्तों एंटर करता हूं 12 डिजिट वाली नंबर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों किस टाइप की हमारी एरर आ चुकी है, 8.54769E+11। ये दोस्तों कुछ इस टाइप का एरर शो करने लगता है जैसे ही आप दोस्तों अपनी डिजिट 11 से आगे इंक्रीज करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ 15 डिजिट वाली नंबर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारी इस टाइप की एरर शो कर रही है। अगर आप दोस्तों एंटर कर रहे हैं 15 डिजिट प्लस, तो यहाँ पे लिख के आता है +15, और दोस्तों आप एंटर करते हैं 11 वाले डिजिट्स तो यहाँ पे लिख के आता है +11। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपके दोस्तों पूरी डिजिट शो नहीं होती है, तो इसको हम कैसे ठीक करें? तो उसके लिए हम करेंगे अपनी सेल को पूरे सिलेक्ट, जितने को भी दोस्तों आपको ठीक करनी है, और यहाँ से जाएंगे जनरल में, और यहाँ से जाएंगे मोड नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से जाएंगे नंबर में, और यहाँ से आप दोस्तों सिंपली अपने नंबर को कर लेंगे सिलेक्ट, और यहां से क्लिक ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके दोस्तों पूरी फुल डिजिट्स आ चुकी हैं, और यहां से दोस्तों अपनी डेसिमल वैल्यू को कर देंगे आप रिमूव। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों आप इस सेल में आप कितने भी बड़े डिजिट को आप इजीली एंटर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे दोस्तों नंबर्स आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आप इस वाली सेल में एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी हमारी आ चुकी है। अब दोस्तों आप इस वाले सेल में करके देखिए एंटर, इसमें दोस्तों आपके फिर से एरर आएगी, इसलिए दोस्तों आपने इसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हैव अ नाइस डे।